साथ संजीव भसीन भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो इस वक्त कहां मौके ढूंढ रहे हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी, आईटी काउंटर्स जिस तरह का एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, बाजार को उम्मीद थी कि वो रिवाइव करेंगे, अगर इंडेक्स ना भी चले एटलीस्ट आईटी इंडेक्स से उम्मीद थी, इंफोसिस के बायबैक से भी कोई एक्साइटमेंट नहीं आई, टीसीएस के नंबर से किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं आई, क्या आपका व्यू रहेगा इस वक्त आईटी पैक पे? प्रियंका देखिए, फियर इज एट इट्स हाईएस्ट। आपने देखा आज एशिया में अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज दो दिन के बाद खुले थे, दे वाज सेल ऑफ, तो कुछ एशिया डेडिकेटेड फंड्स ने आज अपनी सेलिंग बढ़ाई है और दे रेज लिक्विडिटी, बट ये सारा दो दिन की अटकली है। 13 को नंबर आ जाएगा जो आपको एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। आई वुड एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू फॉल शार्पली, और जो यूएस क्यूज है फिफ्थ डे रनिंग दे सोल्ड ऑफ। आई थिंक दैट देर इज अ बिग बाउंस, यू नो, चाहे आप बिग बेयर मार्केट रैली कहो चाहे कुछ कहो, but there is a very big bounce coming globally and I am very sure by end of this week we'll have priced in all the negative. Aaj ke main culprits to do teen heavyweights hain aur wo across the board hai, kyunki jaise kaha kuch Asia dedicated funds ne aaj liquidity apni raise ki hai. Mere yahan teen buy calls hain, aap kahe to main shuru karu. ठीक है भसीन जी, आप बाय कॉल्स भी दीजिए, साथ ही अपडेट है तो कोई वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो है। आपको टाटा कंज्यूमर और ग्रासिम का था, बने रहिए, अभी उनमें वीकनेस दिख रही है, दैट्स मोर टू डू विद द यू नो एफएमसीजी वीकनेस, बट आई स्टिल थिंक दे आर एक्सट्रीमली गुड स्टॉक्स एट दिस प्राइस। अब यू हैव टू गो थ्रू द नेक्स्ट 3 डेज वॉलेटिलिटी डीप एंड डिपी, एंड आई थिंक दैट बाय मंडे यू विल बी बैक टू नॉर्मल, एंड ग्लोबली देयर इज अ बिग रैली कमिंग, इट कैन कम इवन बाय टुमारो, देयर इज सो मच ओवरसोल्ड। अब आपके तीन पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए, बिल्कुल बताइए। तो वही रिलायंस है जी, आपको इस भाव पे रिलायंस लेना ही लेना है, क्योंकि अगर मार्केट में चलना है रिलायंस 2475 जाएगा, 2335 का स्टॉप लॉस लीजिए, 2370 में लीजिए। दूसरा पिक गोदरेज प्रॉपर्टी, अक्रॉस द बोर्ड द बेस्ट After DLF, both of them are gaining market share and housing जितनी demand है it's unsatiable जिसे कहते हैं। 1175-80 में लीजिए, 1150 का stop loss, 1250 का target, और यहाँ पे टाटा स्टील मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 100 रुपए पे 100-101 में लीजिए, stop loss of 97, 108-110 का target टाटा स्टील। ओके सर, ठीक है, एक तो आपने टाटा स्टील बताया, गोदरेज प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तीसरा रिलायंस है, तीनों ही पक्के शेयर हैं, वेटेज वाले शेयर हैं, मार्केट में काफ़ी असर छोड़ सकते हैं। और दूसरा भसीन साहब ये भी कह रहे हैं कि 13 तारीख के बाद आप तस्वीर थोड़ी और बदलते हुए दिखेंगे मार्केट्स की, इसलिए फेयर है, और फेयर का असर आपको बाजार पर दिख रहा है, 17,000 भी हमने तोड़ दिया और मार्केट ऑलमोस्ट अब डेज लो पे आके ट्रेड कर रहा है। आज की जो रेंज थी उस रेंज का एक लोअर एंड को आज मार्केट ने ब्रेक किया, ये डॉट अभी आप देख रहे हैं 17,000 का लेवल, और इससे जस्ट नीचे आया है, ये 250 पॉइंट की गिरावट जो भी आप देख पा रहे हैं, इसमें से मोर देन 60% गिरावट 12 बजे के बाद की।